स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जो लाता है घर बैठे दुनिया की सारी खबर आप तक। सारी दुनिया में आजकल ओलंपिक्स की दीवानगी चढ़ी हुई है। कल हमने भी बात की थी इंडियन मैन हॉकी टीम की, जिसने कल जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। आज देश की बेटियों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने इस ओलंपिक्स में मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू के बारे में तो हमने अपनी पिछली वीडियो में उनके बारे में आपको बताया ही था। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल जिताया है। और वहीं पीवी सिंधु को तो आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया है। पीवी सिंधु का यह दूसरा मेडल है ओलंपिक्स में। इससे पहले रियो ओलंपिक्स 2016 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और बात करते हैं लवलीना के बारे में, जिनका ये डेब्यू ओलंपिक था और इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया अपने पहले ही ओलंपिक्स में। और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। इनका सफर भी आसान नहीं था एक छोटे से गांव में टोक्यो के ओलंपिक्स तक। आज ना जाने ये कितने यंगस्टर के रोल मॉडल बन गए होंगे। पहले के जमाने में जब किसी बच्चे या फिर यंगस्टर से उनके घर वाले या फिर रिश्तेदार पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो मोस्टली उनका जवाब होता डॉक्टर, इंजीनियर या फैशन डिजाइनर या फिर कोई और फील्ड बताते थे। सही मायने में तो देश के असली हीरो, असली सेलिब्रिटीज यही लोग हैं। इन्हीं को देश के आजकल के यंगस्टर को आगे बढ़ना चाहिए, कि ना कि फेक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को, जो लोग फालतू की मूवीज वेब सीरीज बना के अपने आप को सेलिब्रिटी या सुपरस्टार कहते हैं और देश के बारे में सोचने या बोलने का टाइम आता है तो वो लोग हमेशा ही अपोजिट ही बोलते हैं देश के लिए। एक्चुअली में वो सब फेक सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे एथलीट से ही कुछ, उनको हमें हमारे एथलीट से ही कुछ सीखना चाहिए। कई सेलिब्रिटीज को तो अपना देश ही सेफ नहीं लगता। आप समझ ही रहे होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। आप सही सोच रहे हैं, बस अब सोचने का टाइम नहीं है, कुछ करने का है। उनको फॉलो करने से अच्छा है कि आप इन लोगों को सपोर्ट करें जो कि हम जैसे ही हैं, ना कि उन लोगों को जिन्हें अपने देश ही अच्छा नहीं लगता हो। और एटीट्यूड उन सब में इतना है मानो देश के लिए असली ओलंपिक मेडल तो वही जीत के आए हों। उन्होंने सिर्फ दिखावा वाली दुनिया अपनी बना रखी है और वो जो हमें वो दिखाना चाहते हैं हम वही देखते हैं। एक जो वो लोग मूवी में एक्टिंग करते हैं और असल रियल लाइफ में भी वो एक रोल प्ले ही कर रहे हैं। अब देश बदल रहा है और सोच भी बदल रही है, तो इसलिए अब सही टाइम आ गया है। आप लोग भी सोचें कौन असली सेलिब्रिटी है या सुपरस्टार है, क्योंकि सारी पावर तो आप लोगों के ही हाथ में है। आगे की जनरेशन को आप लोगों को ही सही राह दिखानी है। अब इन लोगों के पीछे भागने में कुछ नहीं रखा, रियल हीरो को सपोर्ट करो, फिर देखना देश कैसे आगे बढ़ता है। मैं आप लोगों को हमेशा याद दिलाता रहूंगा रियल और फेक। ये नहीं है कि ओलंपिक चल रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये लोग हमेशा छुपे रहते हैं। जब भी देश में जब भी कुछ गलत होता रहता है, ये लोग कुछ नहीं बोलते, ना कहीं सामने आते हैं। तो प्लीज बंद करो इन सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी मानना, कहना हम लोगों ने इन्हें सर पे ही चढ़ा रखा है। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी एग्रेसिव थी, लेकिन क्या करें, आज खुद को रोक नहीं सका। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।